तो दोस्तों, आज है मेरे बेटे का बर्थडे और आज मैं सेलिब्रेट करने के लिए बर्थडे घर से दूर निकल पड़ी हूँ। तो ये मैं पहुँच गई हूँ पब्लिक पार्क में। पब्लिक पार्क में रात में डेकोरेशन काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि लाइटिंग की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और अब हम पहुँच गए हैं वर्धमान केक लेने के लिए। केक डिस्प्ले में इस तरह से कुछ लगे हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत केक है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद में और केक पसंद आया वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ, कौन सा इसने केक पसंद किया है। हर साइज के और हर फ्लेवर में केक डिस्प्ले में लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ का केक काफ़ी टेस्टी होता है। तो हम यहीं से केक लेकर निकल चुके हैं आगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए। और ये देखिए कुछ इस तरह की पब्लिक पार्क में, और ये लाइटिंग की व्यवस्था है। लाइटिंग काफ़ी खूबसूरत लग रही है क्योंकि रात के करीब बज रहे हैं 9। और ये पब्लिक पार्क से हम निकल कर पहुँच गए हैं रेस्टोरेंट में और केक काटना स्टार्ट कर दिया है। तो ये बेटे का बर्थडे है और हैप्पी बर्थडे टू यू। केक कट चुका है, सबसे पहले मैं ही याद गया गई हूँ इसे केक खिलाने के लिए। तो और भाई साहब कितने साल के हो गए आप? कट गया है 23। बेटे के लिए आप लोगों से भी गुजारिश है कि दुआएं करें, इसका उज्जवल भविष्य हो और आगे भी ये अच्छी उन्नति करे, इसकी हर तमन्ना पूरी हो। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा। केक इसे काफ़ी पसंद आया, इसने कहा पूरा ही हिला दो जितना कट किया है। अब ये डॉक्टर साहब केक खिला रहे हैं इसे, और इसके बाद में आएगा इसके पापा का नंबर लास्ट में, और उसके बाद में अब बर्थडे बॉय है तो मुंह तो साफ बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। जब तक मुंह पर केक ना लगा हो तब तक बर्थडे बॉय का पता नहीं लगता। ये आ गया है सीजलर। सीजलर में हमने मंगाया था पनीर टिक्का, गर्मा गर्म काफ़ी टेस्टी है। चलिए खाने में देखते हैं क्या क्या आया है, एंजॉय करते हैं। ये क्या है? शाही पनीर। शाही पनीर। ये मटर मलाई। ये डलाना हमने नहीं, आज घी नहीं डलाना। और ये खीरों वाली रोटी बड़ी सारी। तो दो मैं खा लूँगी एक। ये क्या सब्जी? मटर मलाई करी, काजू करी। हाँ ये वाली सब्जी थी वो, मटर मलाई डाली हुई थी काफी सारी। नान भी आ गई के साथ ही। ये रही हम खा लें तंदूरी रोटी, खा लो। खाना खा लिया है और खाना खाकर वापस हम घर के लिए रवाना हो गए हैं और फिर से आ गए हैं पब्लिक पार्क में ही। पब्लिक पार्क में अभी भी काफ़ी खूबसूरत लगा हुआ है और रौनक लगी हुई है। रात के करीब 11 बज रहे हैं, उसके बाद भी लोग इधर उधर नज़र आ ही रहे हैं, बिल्कुल खाली नहीं है, यानी पूरी सुन नहीं हुई है। तो ये लाइटिंग देखिए कुछ इस तरह की काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो चाय पीने की इच्छा हो गई इसलिए हम वापस और पब्लिक पार्क में, ये बिश्नोई पे पहले मैंने वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ की चाय काफ़ी टेस्टी होती है। तो हम आ गए वापस चाय पीने के लिए और चलिए अब चाय का भी रात के करीब 11 बजे आनंद लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे घर पे। तो ये डेकोरेशन कुछ इस तरह की है और लोग भी अभी भी घूम रहे हैं। और ये सेल्फी पॉइंट, आई लव बीकानेर। पब्लिक पार्क एक बीकानेर में ऐसी जगह है जहाँ पर किसी वक्त भी चले जाओ रौनक ही मिलती है। तो अब भी रात के करीब 11 बज रहे हैं और लोग इधर उधर घूमते हुए और खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये है सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू और हम पहुँच गए हैं चाय पीने के लिए। चाय ले ली है, आ चुकी है। पता नहीं क्या ऐसा है, कोई मेरे को लगता है एसेंस डालता होगा ये, है ना? कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग ऐसे नॉर्मल तो नहीं हो सकता। केसर चाय। चाय पियो, मस्ती से खा पी लिया। चाय काफ़ी टेस्टी है, चाय पीकर एनर्जी आ गई है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।